हेलो गाइस, मैं सुरेश सोधी। माय यूट्यूब चैनल सुरेश फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 2 लेकर। और ये इसका नवा वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो हमने कम्प्लीट कर लिए थे और अपनी जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग वीडियो नंबर 6, 7 इन दोनों के अंदर और 8 के अंदर हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग देखे थे। आज हम बात करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग का तीसरा अनुप्रयोग। और इस तीसरे अनुप्रयोग को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया है वो हमने बनाया था एचालक परत के आधार पर। और अब जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि चालक पट्टिका का मतलब थोड़ी सी मोटाई जिसकी होती है उसको हम पट्टिका बोलते हैं, और परत किसे बोलते हैं जिसकी मोटाई नगण्य मानी जाती है उसे हम परत बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में जो टॉपिक है वो है चालक पट्टिका का, ध्यान से समझना। इससे पिछला जो वीडियो था वो था एचालक परत का और ये है चालक पट्टिका का। तो ध्यान से समझते हैं अपना टॉपिक क्या है कि समरूप आवेशित ए परिमित के मतलब अनंत लंबाई चौड़ाई की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपने पास में कोई भी एक परत बिल्कुल सिंपल पतली होती है, यहाँ पर हमारे पास में पट्टिका है जिसकी कुछ मोटाई जरूर होगी। उस पट्टिका को जैसे ही हम आवेश देते हैं तो वो आवेश क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। और उस पट्टिका को यदि हम किसी बंद पृष्ठ में रख दें तो क्या करेगा, वहां से फ्लक्स उत्पन्न होगा और उसी फ्लक्स की गाउस के नियम के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इसलिए ये गाउस के नियम का अनुप्रयोग हम बोलते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसके अंदर भी हम 2 पार्ट में काम करेंगे। पहले पार्ट में हम दिशा यानी कि डायरेक्शन का काम करेंगे और दूसरा जो इसका पार्ट है उसके अंदर हम वैल्यू की बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के मान की। तो चलते हैं दिशा वाले पार्ट पर कि चित्रानुसार माना एक समरूप आवेशित अपरिमित पट्टिका का भाग है, यानी कि चित्र के अंदर हमने कोई अपरिमित यानी कि अनंत लंबाई चौड़ाई की कोई पट्टिका है उसका एक छोटा सा भाग यानी कि टुकड़ा हमने लिया है। यहां पर आप देख सकते हो ये इसकी मोटाई हो जाएगी और ये हमने एक पट्टिका का टुकड़ा छोटा सा लिया है। तो आगे क्या बोलता है कि जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा का मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ये हम इसका मान करके चलते हैं। इस पट्टिका से स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये इस पट्टिका का मान लो जो अल्पांश लिया उसका मध्य बिंदु ओ है, इस ओ से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, यहां पर इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। तो हम दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे कि चित्रानुसार पट्टिका अल्पांश पर दो क्षेत्र अल्पांश यानी कि दो हम क्या लेते हैं, क्षेत्र अल्पांश लेते हैं, कौन कौन से, A1 और A2, यानी कि हम क्या करते हैं जो हमारे पास में मध्य बिंदु है इस मध्य बिंदु से समान दूरी पर दो हम छोटे छोटे अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, एक A1 और दूसरा A2। A1 में A2 लेते हैं जो मध्य बिंदु O से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि यहां पर O है, O से हम समान दूरी पर दो अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश A1 वे A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होंगे यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, एक तो अपने पास में DE2 वेक्टर और एक अपने पास में हो जाएगा DE1 वेक्टर। 1 जो होगा वो होगा A1 के कारण और 2 जो होगा वो होगा A2 की वजह से। फिर आगे ये क्या बोलता है कि इन दोनों पार्टों को यानी कि जो विद्युत क्षेत्र वाले पार्ट है, दोनों भाग हैं, इनको हम जब घटकों में विभाजित करते हैं दोस्तों तो घटकों में विभाजित कैसे करेंगे, इधर से कोण बन रहा है अल्फा तो इस पर आ जाएगा कोस वाला घटक और इधर जो घटक बनेगा वो बन जाएगा साइन वाला घटक। ऐसे हम इसको डिवाइडेशन करते हैं, बांटते हैं घटकों में, तो इधर तो आ जाएगा कोस वाला घटक और इधर आ जाएगा साइन वाला घटक। फिर हमने ये देखा था पिछले दोनों टॉपिक जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग फर्स्ट और सेकंड हमने किए थे उन दोनों में हमने देखा था कि ये दोनों पार्ट है ना वो समान होने की वजह से क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है, परिमाण भी दोनों का क्या है समान है, इस वजह से दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इस डायरेक्शन में आने वाले दोनों घटक की दिशा एक ही है यानी कि सेम ही डायरेक्शन है, इस वजह से दोनों घटक क्या हो जाते हैं, कैंसिल नहीं होकर के जुड़ जाते हैं। तो जुड़ेंगे तो यहां पर जो टोटल यानी कि कंप्लीट विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इन दोनों घटकों के योग के अकॉर्डिंग होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं कि बिंदु P पर जो परिणामी दिशा हमें प्राप्त होगी वो इस पट्टिका के लंबवत प्राप्त होगी। तो आते हैं आगे अपनी थ्योरी पर। DE1 वेक्टर तथा DE2 वेक्टर को घटकों में विभाजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक DE1 साइन अल्फा तथा DE2 साइन अल्फा परिमाण में समान
तथा दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जबकि क्षैतिज घटक DE1 cos अल्फा और DE2 cos अल्फा एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं दोस्तों, जुड़ जाते हैं। तो ये तो हमने जो डायग्राम में काम किया है उसी को हमें थ्योरी में कन्वर्ट करके लिखना है। इसीलिए अपने पास में जितने भी थ्योरेटिकल जो टॉपिक है उनमें यदि डायग्राम को हमने अच्छे से समझ लिया तो थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी मैं आपको बता दूं, YouTube पर आप कहीं पर भी सर्च कर लेना, किसी भी जगह सर्च कर लेना, किसी वीडियो को सर्च कर लेना, आपको पूर्ण देह थ्योरी कहीं पर भी किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतना लंबा चौड़ा लिखें, पर हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यदि हम चाहें ये 4 नंबर का टॉपिक बनता है। तो दोस्तों 4 नंबर में जब भी हम किसी क्वेश्चन के आंसर को करते हैं तो कम से कम इतना सफिशियंट होना चाहिए कि उसके अंदर थ्योरी भी हो, मैथमेटिक्स भी हो, डायग्राम भी हो, तब जाकर के 4 नंबर हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी इसीलिए कंप्लीट लिखी है ताकि आपको नोट्स बनाने में और एग्जाम के अंदर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अतः स्पष्ट है कि समरूप आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पट्टिका के लंबवत होती है। मैंने यहाँ पर केवल लंबवत लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि लंबवत बाहर की ओर होती है। बाहर की ओर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश लेते हैं तो बाहर की ओर होती है और नेगेटिव आवेश लेते हैं तो अंदर की ओर होती है। अब नेगेटिव आवेश लेने से अंदर की ओर कैसे होगी, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। उसमें हमने देखा था यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इन दोनों की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है। जब हम घटकों में बांटते हैं तो कोस वाले घटक अंदर की साइड में आते हैं, इस वजह से अंदर की साइड में डायरेक्शन होती है। तो ये तो हो गया अपना दिशा वाला पार्ट दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके मान की, यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है समरूप आवेशित अपरिमित चालीय पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसमें कहता है कि समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर लंबाई, ध्यान से सुनना दोस्तों, स्मॉल आर लंबाई के एक गाउसियन पृष्ठ चित्रानुसार कल्पना करते हैं। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में जब हमने बात की थी उसमें हमने जब एक परत की बात की थी तो उस परत में हमने क्या लिया था, यहाँ पर इस प्रकार से एक गाउसियन पृष्ठ या बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की थी जिसमें हमने 2R लंबाई ली थी। कितनी ली थी? 2R। क्यों ली थी 2R? उसी की हमें यहाँ पर समझना है। और यहाँ पर हम लेते हैं आर लंबाई का, जैसा वहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है उस प्रकार से हमें केवल आर लंबाई का बेलन ही हमें लेना है। और यहाँ पर इसे पिछले वीडियो में या पिछले टॉपिक में जब हमने बात की थी तो यहाँ से R और यहाँ से R, 2R लंबाई की गाउसियन पृष्ठ हमने कल्पना की थी। अब क्यों किया ऐसा, इसी चीज को मैं क्लियर करूंगा थोड़ा सा आगे। तो बढ़ते हैं, L लंबाई के गाउसियन पृष्ठ की चित्रानुसार कल्पना करते हैं चालक पट्टिका। ये लाइन भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों और कई बार बोर्ड एग्जाम में इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनाया। तो क्या कहता है कि चालक पट्टिका को दिया गया संपूर्ण आवेश, कोई भी चालक हो, चाहे वो पट्टिका की जरूरत नहीं है, कोई गोला भी हो सकता है, कोई भी आकृति का अपने पास में चालक होना जरूरी है। और यदि हम उस चालक को कोई भी आवेश देते हैं, आवेश उसकी सतह पर स्थानांतरित हो जाता है। वो आवेश कहां पर जाता है? उसकी सतह पर। जैसे दोस्तों ये अपने पास में कोई एक लोहे की रोड है, मान लो सपोज दे, जैसे मैं इसको आवेश यहां दूंगा ये आवेश संपूर्ण इसकी सतह पर फैल जाएगा। कहां पर फैलेगा? सतह पर, न कि इसके अंदर। अगर आप चाहो तो इसको काट करके यदि अंदर वाले भाग पर आवेश देते हो तो भी कंप्लीट उस भाग पर, जो कटा हुआ भाग है उस भाग पर आवेश फैल जाएगा। ये आवेश की प्रकृति होती है किसके अंदर? चालकों के अंदर। क्यों होता है ऐसा? और एचालक में क्या होता है? एचालक का मतलब जिसके अंदर करंट नहीं चल सकती है, जिसमें आवेश गमन नहीं कर सकता है। जैसे प्लास्टिक, मैंने यहां पर आवेश दिया है तो ये आवेश यहां पर ही रहेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा। जबकि लोहे की कोई रोड हो या कोई भी धातु की हो तो यहां पर आवेश देने से वो आवेश संपूर्ण इसके अंदर क्या हो जाता है? फैल जाता है। ये चालक की प्रकृति होती है। तो हम यहां पर बात करते हैं, पिछले टॉपिक में हमने यहां पर किया था चालक, और अभी हम कर रहे हैं अपने पास में, सॉरी, इसमें हम कर रहे हैं चालक, और पिछले में हमने किया था एचालक परत। तो दोस्तों एचालक परत के अंदर क्या हुआ था कि जहां हमने आवेश दिया वहीं पर ही आवेश रहा, फैला नहीं उसके अंदर। इस वजह से इसके अंदर इधर भी विद्युत क्षेत्र और इधर भी विद्युत क्षेत्र रहेगा। जबकि पट्टिका में क्या होता है, पट्टिका में जैसे ही हमने आवेश दिया तो उसके अंदर जो मोटाई है उसके अंदर आवेश का मान 0 होगा, यानी अंदर कोई आवेश नहीं होगा। आवेश कहां होगा? सतह के ऊपर, यानी पूर्णतः सतह के ऊपर आवेश फैलता है।
तो इसी की हम बात करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके अंदर 2R और उसके अंदर R क्यों लिया, इसलिए लिया कि ये अपने पास में अचालक परत है, इसको जैसे हमने जहां पर भी आवेश दिया है सभी जगह आवेश हमने दिया है, तो इस डायरेक्शन में भी विद्युत क्षेत्र और इस डायरेक्शन में भी विद्युत क्षेत्र रहता है। तो हमें क्या करना होता है, दोनों साइडों का मेजर करना होता है, दोनों साइडों का निकालना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कितना लेते हैं 2R लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब मैं इस लाइन को कंप्लीट कर देता हूँ, जो इंपोर्टेंट लाइन थी कि चालक पट्टिका को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण, ये कारण है उसके एक नंबर के क्वेश्चन के आंसर का, जिसके कारण चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू शून्य क्यों होती है, तो हम आंसर कैसे देंगे कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर या संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है, जबकि उसके अंदर वाले भाग पर कोई आवेश नहीं रहता है। जब अंदर वाले भाग पर आवेश ही नहीं है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का बढ़ना बिल्कुल अनुचित बात है, या हम ऐसा कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मान जीरो होता है, यानी शून्य होता है। अब आते हैं अपने इस टॉपिक के डायग्राम पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिए, चालक पट्टी का ली कुछ मोटाई की, और इसके अंदर ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये भाग यानी कि इसका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का ये वाला जो भाग है इधर वाला, वो है इस चालक पट्टिका के अंदर। ये चालक पट्टिका है, इस चालक पट्टिका के अंदर है, यहाँ पर ये चालक पट्टिका होगी और यहाँ पर है, और इसका जो दूसरा सिरा है वो बाहर की ओर है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये जो पार्ट है ना ये इसके अंदर है, अगर हम ऐसे ऐसे लेते तो ये सेम टॉपिक हो जाता, फिर इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, क्यों, क्योंकि इसकी मोटाई नहीं थी जबकि इसकी मोटाई है, इस वजह से हम R आकार के या R लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये चीज तो आपके समझ में आ गई कि क्यों लेते हैं इसमें R का, इसमें 2R का। अब यहाँ पर वही सेम चीजें देखो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू मैंने जीरो लिखी है, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि उसको दिया गया आवेश संपूर्ण सतह पर फैल जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं रहता है, इस वजह से विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ई है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ई है, दोनों की विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर है। ये चीज हमें कहां से पता चली, ये चीज हमें यहाँ से पता चली कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो बाहर की ओर होगी, तो हमने यहाँ पर दोनों जगह विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर लिख दी। अब हम बात करते हैं पृष्ठ की यानी कि सतह की, तो यहाँ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसकी जो डायरेक्शन है वो तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो यहाँ पर डीएस वेक्टर इधर आ गया। और यहाँ पर जो अपने पास में ये बेलनाकार पृष्ठ है, ये वाला वक्राकार पृष्ठ, इस वक्राकार पृष्ठ की जो डायरेक्शन होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, तो ये यहाँ पर आ गया डीएस वेक्टर। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर 0 डिग्री एंगल, और यहाँ पर हमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत एंगल की, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है, जीरो है, इस वजह से। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो क्या कहता है कि इस गॉसियन पृष्ठ को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, सेम टू सेम पहले वाले दो टॉपिकों की तरह ही है कि वर्ताकार पृष्ठ S1 और वक्राकार पृष्ठ S2 और वर्ताकार पृष्ठ S3, यानी दो तो इसमें वर्ताकार पृष्ठ है, एक वक्राकार पृष्ठ है। फिर ये आगे क्या बोलता है, चयनित अल्पांश, चयनित अल्पांश का मतलब हो गया ये जो हमने यहाँ पर अल्पांश लिया है छोटा सा भाग, यानी जो ये डैश डैश किया हुआ ना, इससे आगे ये कंप्लीट भाग इसके अंदर है, डैश से पहले वाला भाग बाहर है और डैश वाला भाग इसके अंदर है। तो क्या कहता है कि चयनित अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स यानी उससे संबंधित जो फ्लक्स है उपरोक्त तीनों प्रश्नों से फ्लक्सों के योग के बराबर होगा, यानी कि दोस्तों इस छोटे से पार्ट की वजह से जो भी फ्लक्स बनेगा ना वो कंप्लीट इन तीनों प्रश्नों से निर्गत या जो इससे संबंधित फ्लक्स है उनके योग के बराबर होता है, ऐसा लाइन हमने पिछले दो टॉपिकों में भी लिखी है। तो यहां पर अपने पास में फाई बराबर फाई S1, फाई S2, फाई S3, ये तीनों हो गए योग के बराबर। अब इन तीनों चारों की वैल्यू लिख देता हूं, 1, 2, 3, 4 चारों की वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा, तो यहाँ पर गॉस के नियम के अकॉर्डिंग क्या आएगी, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू तो यहाँ पर बन गई, यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट गॉस के नियम के अकॉर्डिंग हो गया। ये हो गया अपने पास में फ्लक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये तीनों की हमने लिख दी। अब हमें इन सब का मान लिखना है, इस चीज को अच्छे से समझना दोस्तों, क्योंकि यहां पर टॉपिक जाकर के थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पर सबसे पहले यहां पर बात करते हैं टोटल आवेश कितना होगा अपने पास में, अगर मैं ये कहूं कि एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है
वो अपने पास में सिग्मा है, तो हमारे पास में यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल कितना है, एस, या ए मान करके भी चल सकते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था, ए मानो चाहे एस मानो, एस है तो एकांक क्षेत्रफल में कितना है सिग्मा, तो एस क्षेत्रफल में कितना होगा सिग्मा इंटू एस टोटल आवेश, यानी कि सिग्मा बराबर हम लिखते हैं क्यू अपॉन एस या फिर क्यू अपॉन ए, ये भी हम लिखते हैं। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ए क्या है क्षेत्रफल, और इसकी जगह हम एस भी यूज कर सकते हैं, तो सिग्मा इंटू एस यहाँ पर टोटल अपने पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। ये चीज तो यहां से आ गई, इसकी जगह बटा में एप्सिलॉन नॉट है ही। अब हम बात करते हैं एस वन पृष्ठ की, कौन से पृष्ठ की, एस वन पृष्ठ की, तो यहाँ पर एस वन लिखा हुआ है। इस पृष्ठ के लिए क्या है एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या है जीरो है, तो मैंने ई की जगह क्या लिख दिया जीरो डीएस और कोस थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा ई डीएस कोस, और दूसरे पृष्ठ के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा पृष्ठ अपने पास में इंटीग्रेशन ई डीएस कोस जीरो, तो देखो यहां पर तो इस जीरो की वजह से टोटल जीरो हो जाएगा, यहां पर 90 की वजह से टोटल जीरो हो जाएगा, और यहां पर कोस जीरो की वजह से क्या हो गया अपने पास में वन हो जाएगा, कंप्लीट एक पद अपने पास में बचेगा। अब देखो दोस्तों यहां पर एजीटी जैसा है वैसा वैसा ही आ गया, यहां पर ये वाला पद आ गया ठीक है, बाकी तो जीरो है, ई तो आ गया बाहर, क्यों, क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र का मान क्या है फिक्स है, ये चेंजेबल नहीं है, तो यहां पर आ गया बाहर। डीएस बचा, डीएस का कितना बन जाएगा एस, यानी इसका इंटीग्रेशन S3, ds की जो वैल्यू होगी वो होगी s, s और s क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा e बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास में क्या आ गया रिजल्ट आ गया, किसका, चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की वैल्यू। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, एक तो सदिश रूप की बात कर लेते हैं, तो सदिश रूप में दोस्तों क्या होगा कि यहां पर हमें देखने से पता चलता है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यदि अपने पास में यहां पर एक चालक पट्टिका है अनंत लंबाई चौड़ाई की, तो यहां पर बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो भी उतना ही प्राप्त होगा, यहां पर देखेंगे तो भी उतना ही प्राप्त होगा, और आगे देखेंगे तो भी उतना ही प्राप्त होगा, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता है, तो सदिश रूप में लिखने के लिए इन दोनों पर तो वेक्टर नहीं लगेगा, पर हाँ विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो आर की डायरेक्शन में होगी, आर किधर है इसमें, आर यहां पर है, यानी ये बिंदु है वो आर दूरी पर है, तो आर इस डायरेक्शन में ना, इसलिए क्या होगा कि यहां पर जो इसकी वजह से इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी डायरेक्शन में है, आर की डायरेक्शन में, जिधर आर है उधर ही अपने पास में विद्युत क्षेत्र होगी। ये तो हो गया सदिश रूप की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्राफ की बात, तो ग्राफ की दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखोगे या इस सूत्र में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आर नहीं है, जब आर ही नहीं है तो आर और ई के बीच में रिलेशन क्या होगा निर्भर नहीं करेगा, तो हम यहां पर क्या बनेंगे सीधी लाइन बनाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं ई और सिग्मा के बीच में संबंध की, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि सिग्मा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होगी, यानी पृष्ठ की आवेश घनत्व जितना ज्यादा होगा विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही ज्यादा होगा, तो दोनों एक दूसरे की क्या होगा प्रोपोर्शनल टू होगा, यानी कि समानुपाती होगा, यानी सिग्मा बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, और इन थ्योरेटिकल टॉपिकों को मैं नहीं चाहता कि आप भी हल्के में लो और मैं भी इनको हल्के में लूं, इस वजह से मैंने कंप्लीट एक एक लाइन और एक एक शब्द को बहुत अच्छे से लिखा है और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। दूसरी चीज, यदि मैं इनको साथ साथ में लिखता और फिर आपको समझाता तो शायद वीडियो एक घंटे से ज्यादा हो जाता, इस वजह से मैंने प्रयास ये किया है कि लिखने का जो टाइम है वो समझाने में दे करके वीडियो को थोड़ा सा छोटा करूं। मुझे पता है आप लोग आजकल यूट्यूब पर कुछ ज्यादा चल रहे हो, इस वजह से आपके जो नेट है उसमें भी दिक्कत आ रही होगी, थोड़ी बहुत आपके कभी एमबी की भी प्रॉब्लम आती होगी, तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि छोटे से छोटा वीडियो बने ताकि आप आसानी से इसे देख पाओ, आसानी से इसको डाउनलोड कर पाओ, और नहीं समझ में आता तो दूसरी बार देखो तो भी आपको कोई समस्या नहीं हो, इस वजह से। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेना।